पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अब बात पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले। पिछली बार की परिक्रमा में मैंने उत्तर प्रदेश में चल रहे साक्षरता कार्यक्रम और उसके अनुभवों को जाना। उत्तर प्रदेश में साक्षरता निकेतन काफी पहले से प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा का कार्य कर रहा है। यही अब राज्य संसाधन केंद्र के रूप में भी यहाँ के साक्षरता आंदोलन को दिशा दे रहा है। यहाँ साक्षरता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम बखूबी हो रहा है। शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए कठपुतली जैसी पारंपरिक कला का भी प्रयोग किया जा रहा है। नव साक्षरों के लिए रोजगार के नए नए अवसर तलाशने की कोशिश में पारंपरिक मृदा शिल्प को आधुनिक बनाने के साथ सिलाई कढ़ाई और जरदोजी जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश साक्षरता के मामले में अभी भी बहुत पीछे है, जिसमें सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि राज्य की सिर्फ 43% महिलाएं ही साक्षर हो पाई हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक आगे बढ़ता हुआ राज्य, जहां देश का पहला साइबर शहर स्थापित किया जा रहा है, गांवों और पंचायतों को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। ऐसे आगे बढ़ते राज्य में मुझे मेरे प्रश्नों का हल मिल सकता है। यहाँ के साक्षरता आंदोलन के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। सुना है कि यहाँ साक्षरता अभियान को सामाजिक आंदोलन की तरह चलाया गया था। 1991-92 में राज्य में शुरू हुए साक्षरता आंदोलन के बारे में सुना था कि यहाँ लोगों ने इसमें दूसरी आजादी की लड़ाई की तरह भाग लिया था। सभी वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई थी। निरक्षरता के अंधेरे को दूर भगाने के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार किए गए थे। साक्षरता कार्यक्रम को यहाँ प्रारंभ से ही सामाजिक क्रांति के रूप में देखा गया था और इसके परिणाम भी पहले दूसरे वर्षों में ही अंगड़ाई लेकर सामने आए। नेल्लूर जिले के दोबा गुंटा गांव से उपजी शराब विरोधी मुहिम को साक्षरता के पाठ्यक्रम में प्रकाशित किया गया और दोबा गुंटा में हुई पहल कदमी का प्रसार पूरे राज्य में हो गया। सचमुच आंध्र प्रदेश में महिलाओं का शराब विरोधी आंदोलन शब्दों से आई चेतना का उदाहरण बन गया था। आजादी के आंदोलन के बाद राज्य में इस तरह स्वतः स्फूर्त सामाजिक आंदोलन का पहला उदाहरण है कि महिलाएं बिना किसी संगठन के एक सामाजिक बुराई के खिलाफ अपने आप उठ खड़ी हुई थीं। इससे साक्षरता की सफलता ही साबित होती है। दोबा गुंटा की कहानी जब उत्तर साक्षरता के किताब में छापी गई तो वो काफी लोकप्रिय हुई थी। जहां साक्षरता आंदोलन ने शैशव काल में ही जागरूकता का ऐसा उदाहरण पेश किया हो,
वहाँ भी कुछ लोग पीछे क्यों छूट गए? मुझे आंध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बाबत विशेष जानकारी लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में जो संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि साक्षरता कार्यक्रम का पहला चरण था, वो अधिकांश जिलों में पूरा हो चुका है और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भी 20 जिलों में पूरा हो चुका है। अब इन 20 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम का दौर चल रहा है। देश के पैमाने पर आंध्र प्रदेश की साक्षरता 28वें स्थान पर है। ९९ में तो साक्षरता दर काफी कम थी, 44%। 2001 में 61% हुई है। वैसे प्रगति दर बढ़ी है। पुरुष साक्षरता दर तो ठीक ही लगती है, 100 में 71 के करीब साक्षर हैं। लेकिन महिलाओं में साक्षरता अभी भी कम लगती है, 100 में 51 यानी आधी निरक्षर हैं। जहां साक्षरता आंदोलन की चेतना से महिलाओं ने पूरे राज्य को आंदोलित कर दिया, वहां की महिलाएं ही पीछे क्यों रह गईं? हो सकता है मेरे प्रश्न का जवाब यहां मिल जाए। राज्य मुख्यालय हैदराबाद के इस जिला साक्षरता कार्यालय में संभवतः ऐसे ही छूट गए लोगों के लिए कोई योजना बन रही है। शहर की व्यस्त जिंदगी और कुछ अस्थायित्व के कारण अनेक लोग साक्षर होने से छूट गए हैं। उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। मुझे हैदराबाद में साक्षरता कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। जिले में जो साक्षरोत्तर कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में हम लोग काफी स्पष्ट हैं। इसके तहत जो सतत शिक्षा का काम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 622 सतत शिक्षा केंद्र शहर में स्थापित किए हैं। उसमें प्रत्येक केंद्र को कम से कम कुछ किताबें और अखबार दिए गए हैं, जिससे नव साक्षर वहां आकर अपनी दक्षता को बरकरार रख सके। हम लोगों ने पोदुप ज्योति ग्रुप एक तरह की बचत समितियां बनाई हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जिसमें प्रतिदिन ₹1 यानी महीने में ₹30 वो जमा करती हैं। उन्होंने अपना खाता बैंकों में खोल रखा है। इस तरह हैदराबाद शहर में जो बचत कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं को शामिल करके ऐसे ग्रुप को मदद पहुंचा सकते हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूह को ही यहाँ पोदूप ज्योति का नाम दिया गया है। जंगामेट इलाके की ये महिलाएं छोटा मोटा व्यवसाय करती हैं। दिन भर की आमदनी से यहाँ हर रोज ₹1 जमा करती हैं। अक्षर ज्योति से पोदूप ज्योति तक का ये सफर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्या इससे इनकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आया? हम लोग जी प्रतिदिन ₹1 जमा करते हैं, जो महीने में ₹30 हो जाता है, उसे हम लोग बैंक में जमा करते हैं। और इसी क्रम में अक्षर ज्योति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हम रात में पढ़ाई करते हैं। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं और साथ ही अपना काम भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप को लोन मिला, और एक ग्रुप में से वो लोग जमा करे सब पैसे में, फिर हम लोग बांट लिए के बाद में, अब इससे पहले हम लोग छोटा छोटा कारोबार करते, थोड़ा सामान कितना पैसा रहते उतना सामान ही लेके हम लोग बेचते थे, मगर अब वैसा नहीं हुआ। अब हम लोग पैसे अपने पैसे जमा करे से पैसे में से लेके और ज्यादा माल लेके आके और ज्यादा सेलिंग करना स्टार्ट कर दे। वैसे ज्यादा सेलिंग करे तो अब इनकम भी बढ़ जाते ना। वैसे तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन हर एक के जीवन का एक सपना होता है। अब यहाँ की महिलाओं के सपनों को अक्षरों के सहारे आकार मिलना भी शुरू हो गया है।
छोटे मोटे व्यवसाय के लिए स्व सहायता समूह से पूंजी भी मिलनी शुरू हुई है। पहले ये लोग दूसरों से उधार लाकर या किसी और के कच्चे माल पर काम करके देती थीं। इनके हिस्से सिर्फ मजदूरी ही आती थी, लेकिन अब जबकि रास्ता खुल चुका है तो उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। नई नई योजनाओं के बारे में ये सोचने लगी हैं। अब हम लोग तो इधर इकट्ठा हुए पूरा महिला मंडली, तो इकट्ठा हुए के बाद हम लोग तो पैसे जमा करें ना, वो पैसे से और क्या तो भी कारोबार कर सकता। अब ये कितना दिन बेचता है घर घर फिर के, और एक उम्र रहता एक नई उम्र रहता, और वो लोग काम नहीं कर सकते, फिर के घर घर फिर के काम नहीं कर सकता। जब वो लोग बैठ के इकट्ठा एक जगह बैठ के क्या तो भी काम करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट क्या तो भी ट्रेनिंग दिए, तो वो ट्रेनिंग में हम लोग सीख लेके और उसके साथ मार्केटिंग भी बताए तो हम लोग सेलिंग करेंगे, वो करेंगे भी, और हम लोग को गवर्नमेंट के तरफ से ये आए बोल के हम लोग पूरा महिला मंडल तो वो अच्छा बेनिफिट बन सकते ना। हमारे पास कुछ कॉर्पोरेशन है जैसे अनुसूचित जाति वित्त निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ग्रुप की पहले पहचान करते हैं। इसमें बहुत सारी वित्तीय सहायता की योजनाएं हैं, उसमें जैसे पारंपरिक तौर पर सिलाई मशीन वगैरह देने का काम तो चल ही रहा है, लेकिन जो नए साक्षर उन्हें साबुन बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और कुछ ऐसे शिल्प भी हैं जो वो पहले से ही करते रहे, उन्हें प्रशिक्षण के जरिए बेहतर और विकसित किया जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ राजधानी में बहुत आसानी से बाजार मिल जाता है। अगर बाजार की व्यवस्था हो जाए तो पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के हुनर का प्रशिक्षण सचमुच सार्थक हो सकता है। वैसे भी महंगे महंगे कपड़ों में भी कढ़ाई और जरदोजी का काम एक अच्छा रोजगार बन सकता है। हम लोग जो कपड़ा वगैरह ला नहीं सकते, हमारे पास इतना इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो जो भी है दूसरों से हम लोग लेते, लेकर यहाँ के जो भी लोग आते ना वो लोग को देने के बाद वो एक एक पीस तैयार करके फिर दोबारा वो लोग को वापिस देते, तो उसमें हम लोग को बिल्कुल कम इनकम यानी कि कम पैसा मिलता। अगर हमारे पास अभी जैसा कि हम लोन अप्लाई किए हैं 15 मेंबर्स का है ये लोन अप्लाई किए, अप्लाई करके भी अभी 6 मंथ्स हो गए। लगता है यहाँ अगरबत्ती बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नव साक्षरों के लिए कम पूंजी में ये भी एक रोजगार हो सकता है। वाह, यहाँ तो मेहंदी का काम हो रहा है। शहरों में इस तरह के छोटे छोटे कामों की काफी गुंजाइश रहती है। साक्षरता कार्यक्रम को ऐसे आय होने वाले कार्यक्रमों के साथ जोड़कर चलाना भी अच्छा अनुभव है। काम का काम और शिक्षा की शिक्षा। वैसे भी एक उम्र के बाद सिर्फ पढ़ाई निरर्थक लग सकती है और ऊप पैदा कर सकती है। इस तरह पढ़ाई के साथ साथ जब हाथ में कुछ कुशलता भी आ जाती है तो आगे बढ़ने के सपने भी बनने लगते हैं। तब जरूरत पड़ती है सहयोग की। तो ये लोग चाह रहे कि कारखाने इधर उधर काम को जाएं, तो वहां पर तो इन लोगों को पढ़ने को बिल्कुल नहीं मिलता, सुबह से शाम तक काम ही करना पड़ता। तो हम उन लोगों को यहाँ पर ये सीईसी ग्रुप में लाए ये बता के अगर आप हमारे साथ पढ़ो भी और काम भी सीखो तो आपको काम के साथ साथ पढ़ाई भी मिलेगी, और आपको जो है सो गवर्नमेंट से हमको लोन मिलेगा। अगर एक 15-15 का मेंबर बनाएंगे तो हमको गवर्नमेंट से लोन मिलेगा। मेरे पास कई चीज़ें हैं ऐसे जिससे कि एक एक लड़की को एक एक आइटम काम करने के लिए मिल सकता। शायद ये भी अपने आप में सच है कि इस दिशा में अभी और भी काम होना बाकी है। मुझे राज्य के कुछ और हिस्सों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, विशेष तौर पर गांवों के बारे में।
राज्य संसाधन केंद्र सामग्री तैयार करके सतत शिक्षा केंद्रों को आपूर्ति करती है, चाहे वो वाइजक में हो, हैदराबाद में हो या करीमनगर में। इस पर वो लोग ब्रॉडशीट में प्रिंट निकाल लेते हैं और प्रेरक तथा विशेषज्ञों के साथ ग्रामीण उस पर चर्चा करते हैं। ये सब वारंबारा विज्ञान प्रोग्राम के तहत चल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें प्रयास है कि ऐसे केंद्र सिर्फ कुछ किताबें रखने के लिए नहीं बल्कि अधिक उपयोगी और सक्रिय हों। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। सतत शिक्षा केंद्रों की ये खास गतिविधि है। निरंतर शिक्षा केंद्रों के लिए अंग्रेजी और तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी पुस्तकें तैयार कराई गई हैं। इससे नव साक्षरों के साथ साथ प्रेरकों को भी सहूलत होगी। अब मुझे वाइजक जाकर देखना चाहिए। वाइजक, इसी को तो विशाखापट्टनम भी कहते हैं। मुझे यहाँ किसी गांव में जाकर देखना चाहिए, विशेष रूप से निरंतर शिक्षा केंद्र में। सुना है यहाँ इस तरह के केंद्र लोगों की सहभागिता से बनाए गए हैं। मुझे केंद्र के अंदर जाकर देखना चाहिए। यहाँ तो पठन पाठन की सारी सामग्री मौजूद है, निरक्षरों को साक्षर बनाने की भी, और जिसे पत्र पत्रिकाएं पढ़नी हो पत्र पत्रिकाएं पढ़ें। संचालन के लिए केंद्र में एक प्रेरक भी नियुक्त किया गया है। यहाँ केंद्र खुल जाने से हर कोई फायदा उठा रहा है, इससे उनका विकास हो रहा है। यहाँ उन्हें हर प्रकार के विषयों की जानकारी होती है। सतत शिक्षा केंद्र हर एक के विकास का अच्छा मंच बन गया है। शाम को लोग यहाँ आते हैं और विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इसका मतलब वाइजक के गांवों में साक्षरता का काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे इस जिले के बारे में और विस्तार से जानना चाहिए। प्रारंभ में जब हम लोगों ने यहाँ परियोजना शुरू की थी तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हम लोगों ने अनेक कैंप आयोजित कर जागृति फैलाने का काम किया तो इसका महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा। अच्छा, तो यहाँ इस तरह से अक्षर संक्रांति के लिए आह्वान हो रहा है। यहाँ छूट गए लोगों को पूर्ण साक्षर बनाने यानी साक्षरता अभियान की पूर्णाहुति को अक्षर संक्रांति का नाम दिया गया है। गीत के बोल भी लगभग वही हैं कि ज्ञान के जिस पुण्य कार्य को हमने शुरू किया था उसकी पूर्णाहुति का समय आ गया है। इसलिए सभी इसमें अपना अपना योगदान दें। सचमुच छूट गए लोगों को साक्षर बनाकर साथ लाने का काम तो यहाँ बड़े जोर शोर से हो रहा है। पत्थर क्रशर में काम करने वाले मजदूरों की ये बस्ती शायद ऐसे ही छूट गई थी, लेकिन अब तो यहाँ का उत्साह देखकर लगता है कि जल्दी ही ये लोग भी साक्षरों में शामिल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के साक्षरता आंदोलन की एक विशेष बात रही है कि यहाँ अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में रहने वालों के लिए उनकी स्थिति के अनुरूप किताबें तैयार की गई हैं। इससे पढ़ने वालों की रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ ही वे आत्मसात भी जल्दी कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के चलते अभी जो सन 2001 में जनगणना हुई उसमें यहाँ की साक्षरता दर 48% से 63% बढ़ गई, और ये जो साक्षरता के कारण जागृति आई है इसके कारण जिले के स्कूलों में ड्रॉप आउट भी काफी कम हो गए हैं। साक्षरता से महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर समझा है। गांवों में पंचायती राज कार्यक्रम के तहत बनने वाले महिला मंडलों में इसका प्रभाव साफ दिखता है। मगरू पेरू गांव के महिला मंडल की महिलाओं ने अब गांव के सार्वजनिक स्थलों की सफाई का जिम्मा स्वयं ले रखा है।
साक्षरता कार्यकर्ता हमारे गांव में लगातार आते हैं, उसी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अब हम लोग जान गए हैं कि स्वयं को साफ रखने के साथ साथ अपने गांव को भी साफ रखें। पढ़ाई से महिलाओं में जागरूकता आई तो अब वो घर के कामों को जितनी लगन और निष्ठा के साथ करती हैं और जिस तरह अपने घरों को सुंदर बनाने का काम करती हैं, उसी लगन से और निष्ठा से गांव और समाज को भी संवारने के कामों में जुड़ रही हैं। इन्हें पता है प्रकृति के साथ सामंजस्य से ही सुंदर और खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है। इसीलिए यहाँ के महिला मंडल ने गांव के खाली पड़े सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण का फैसला किया है। निश्चित रूप से ये पौधे पेड़ बनकर साक्षरता के माध्यम से आई जन चेतना की कहानी कहेंगे। మా గ్రూప్ 22 22 నెలకి 50 రూపాయలు మేము పొదుపు हमारे ग्रुप में 22 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य महीने में 50 रुपए जमा करती है। इसके आधार पर हमें 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के तौर पर मिला। अपने जमा राशि से भी 10,000 निकाला और सभी सदस्यों में 500-500 रुपया बंटवारा किया। इसका उपयोग महिलाओं ने पशुपालन में चारा खरीदने के लिए किया। अब दूध बेचकर ऋण का 50 रुपया और 1 रुपया ब्याज का मिलाकर कुल 51 रुपया प्रति माह वापस लौटा रहे हैं। इतना तो स्पष्ट है कि साक्षरता आंदोलन से आंध्र प्रदेश की महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेरे गांव में पता नहीं क्या कमी रह गई। मुझे यहाँ कुछ और गांवों में भी देखना चाहिए। लगता है यहाँ जन स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं। मुझे करीब जाकर सुनना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मातृ शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रही हैं। शिक्षा का ये स्वरूप तो सचमुच ही बहुत अच्छा है। इस तरह महिलाएं न सिर्फ गर्भकाल के दौरान अपने स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से बच सकती हैं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती हैं। लेकिन शिक्षा की इस मंजिल पर पहुंचने के लिए शुरुआत तो अक्षरों से ही हुई होगी। जो अक्षरों से ही वंचित रह गए हैं, उनके लिए तो ये काम की जानकारी भी शायद बेमतलब हो जाए। और जहाँ अक्षरों का साथ हो तो नई नई सोच भी पैदा होती है, उसके उपाय भी होने लगते हैं। పోలియో చుక్కలు 3 సార్లు వేయించుకోవాలి, ముందు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత టీకా వేయించుకోవాలి, తర్వాత నెలకి నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు ఇంప్రూవ్ దే అబ్ యే లోగ్ అప్నీ ఆర్థిక స్థితి ఆర్ స్తర్ సుధార్నా చాహతీ హై ఇస్మే హమ్ లోగ్ కుచ్ మహిళాఓ కీ ఆర్థిక సుదృఢీకరణ కే కార్యక్రమ్ శురూ కర్ రహే హై స్వ సహాయతా సమూహ విశేష్ తౌర్ పర్ ఇసీ కే లియే హై ఎస్ఎస్జీ గ్రూప్ జో డ్వాక్రా గ్రూప్ భీ కహే జాతే హై आंध्र प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। अक्षर संक्रांति कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे ही स्व सहायता समूहों को शामिल किया है। आर्थिक उपार्जन के लिए इस तरह के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण सचमुच ही बहुत सार्थक हो सकता है। आजकल इस तरह के सॉफ्ट खिलौनों का प्रचलन भी है। वैसे आंध्र प्रदेश के गांवों में लकड़ी और चमड़े के खिलौनों के निर्माण की पुरानी परंपरा रही है। यहाँ के बनाए खिलौने देश के दूसरे राज्यों में भी काफी पसंद किए जाते थे। समय और मांग के साथ चलते हुए अब यहाँ की महिलाओं ने अगर सॉफ्ट खिलौनों का निर्माण शुरू किया है तो ये उनकी सोच में आए बदलाव का ही उदाहरण है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद
ये नव साक्षर महिलाएं अपने घरों में या समूह के रूप में भी इस तरह के खिलौनों का निर्माण कर सकती हैं। यहाँ मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं इस निरंतर विद्या केंद्र में पढ़ती भी हूँ। यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीख रही हूँ। इससे मुझे काफी लाभ हो रहा है। हम लोग यहाँ न सिर्फ निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं, अल्प बचत के बारे में बताते हैं, विशेष तौर पर ड्वाक्रा योजना में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इससे वो कुछ ऋण हासिल कर छोटे छोटे व्यवसाय करने लगे हैं। अब यहाँ के लोग सफाई के साथ साथ हरियाली बचाने का काम करने लगे हैं। वो अब सही मायने में साक्षर हो चुके हैं और लगातार केंद्र में आते हैं। सचमुच साक्षरता से आंध्र प्रदेश की तस्वीर में बदलाव आ रहा है। हो सकता है इस बदलाव की गति धीमी हो, पर जो भी हुआ है सार्थक लगता है। विशेष रूप से साक्षरता आंदोलन के माध्यम से गांव की महिलाओं में आई जागरूकता तो उदाहरण योग्य है। इसमें लोगों की भागीदारी भी मेरे लिए कम प्रेरक नहीं है। फिर भी चिंता तो रह जाती है उनके लिए जो अक्षर संक्रांति यानी पूर्णाहुति में भी छूट गए।